हिमाचल प्रदेश भाजपा द्वारा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर होने के बयान पर राजस्व मंत्री जगत नेगी भड़क गए और उन्होंने भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सबसे बड़ा बेशर्म करार दिया। जगत नेगी ने कहा कि प्रदेश में सरकार स्थिर नहीं होती तो बीजेपी अब तक उन्हें नहीं छोड़ती। अब तक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नाच रहे होते, लेकिन जयराम ठाकुर दर दर भटक रहे हैं। कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़ और कभी शिमला पहुँच रहे हैं। भाजपा के पास बहुमत नहीं है, जबकि कांग्रेस की सरकार बहुमत में है और सरकार गिराने के लिए भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है। पहले 6 लोगों को निष्कासित करवा रहे हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जो निष्कासित हुए वह कांग्रेस के विधायक थे, तो बीजेपी का क्या मतलब बनता है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाए। भाजपा ने प्रदेश सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा था, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बेशर्म पार्टी बन गई है और जयराम ठाकुर सबसे बड़े बेशर्म है, सरकार है और देश संविधान से चलता है। वही बागी विधायकों को लेकर जगत नेगी ने कहा कि उन्हें यदि कांग्रेस पार्टी सरकार या मुख्यमंत्री से उन्हें कोई शिकायत थी तो वो विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखते और यदि उन्हें पार्टी की विचारधारा अच्छी नहीं लगती है तो उन्हें रिजाइन करना चाहिए। जब अपनी ही सरकार के खिलाफ जाओगे तो डंडा तो चलना ही था। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कट मोशन में यदि बहुमत ना हो तो सरकार गिर जाती है। हालांकि इन बागियों की वापसी को लेकर जगत नेगी ने कहा कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। राजनीति में दोस्त दुश्मन कब बन जाए और दुश्मन दोस्त कब बन जाए, इसका कोई पता नहीं रहता। वहीं कैबिनेट बैठक में नाराजगी को लेकर जगत नेगी ने कहा कि वह किसी से नाराज होकर नहीं गए थे, उनका पहले से ही कार्यक्रम था जिसके चलते परमाणु के लिए निकले थे, लेकिन कुछ पोर्टल द्वारा गलत खबर चलाई गई जिससे वह काफी आहत हुए। कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होती है और जरूरी नहीं है कि हर बात पर सहमत हो, सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन ये दर्शाता है कि रोहित ठाकुर के साथ उनकी बहसबाजी हुई, जबकि ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी छवि खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर कानूनी राय ले रहे हैं और कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। आपके साथ ही आपको छोड़ के चले गए हैं, आज की स्थिति सरकार क्या है, सरकार क्या स्टेबल है, नहीं है? अगर सरकार स्टेबल नहीं होती तो बीजेपी वालों ने आज हमें छोड़ देना था। इस टाइम तो जयराम जी जो है नाच रहे होते, पर जयराम जी आज दर दर भटक रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी शिमला भटक रहे हैं। तो कारण यह है कि वो माइनॉरिटी में है और कांग्रेस की सरकार जो है पूरी तरह से जो है बहुमत के साथ है और इस बहुमत को तोड़ने के लिए वो मतलब हर किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं। आपने देखा होगा पहले 6 लोगों को जो है किस तरह से उन्होंने डिस्क्वालीफाई कराया और आज कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वो जो 6 विधायक जो डिस्क्वालीफाई, वो कांग्रेस के विधायक हैं, बीजेपी का लोकल स्टैंड का है सुप्रीम कोर्ट जाने का। इसका मतलब ये एक बड़ी गहरी साजिश थी कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए भाजपा ने जो है एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत जो है सारे ये इस किस्म के जो है कांड हुए और अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही। ये ऐसी बेशरम पार्टी बन गई है और जयराम जी के जो है ये तो सबसे बड़े बेशरम हो गए हैं। कहते हैं कि हम जो है सरकार को जो है सवेरे उठेंगे तो आपको पता लगेगा सरकार गिर गई है। तो इस किस्म की बात कहना अपने आप में जो है एक नकारात्मक सोच की बात है, जो संविधान के खिलाफ है, जो नैतिकता के खिलाफ है। तो ये फिर भी जो है इसको अगर हम टॉलरेट कर रहे हैं तो फिर समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितने जो है खतरे में है। सर जिस तरह से जानते हैं कि लोकतंत्र जो है एक संविधान के तहत चलता है, जो संविधान में नियम दिए हैं उन नियमों की अवहेलना की जा रही है, उन नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और जनता ने हमें 5 साल के लिए चुन के भेजा है और बारी बहुमत के साथ चुन के भेजा है। अब इनको ये है कि 5 साल तक ये जो है सत्ता के नज़दीक नहीं आ सकते थे, तो सत्ता से बाहर जैसे मछली को निकालते पानी से, उस किस्म की तड़प बीजेपी के लोगों के अंदर है और किस तरह से ये दोबारा सरकार में वापस आने का तरीका ढूंढ रहे हैं। क्या ये संवैधानिक है कि चुनी हुई सरकार को आप प्रलोभन से, चुनी हुई सरकार को जो असंवैधानिक तरीके से जो है इसको गिराकर आप सरकार में आएंगे? कौन सी नैतिकता की आप बात कर रहे हैं? क्या ये सरकार अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि बीजेपी के बात कर मान लेते हैं कि सरकार गिर जाती है, तो ये जो आएंगे क्या ये नैतिक तरीके से आएंगे? क्या ये हमारा लोकतंत्र रहेगा भविष्य में? क्या हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं कि कल जो है हमारा
लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, तो किस तरह से भविष्य हिमाचल का नहीं है, भविष्य इस देश के अस्तित्व का है कि ये देश भविष्य में किस दिशा में जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र रहेगा जिस लोकतंत्र के लिए हमारे महान नेताओं ने जो है महान बलिदान दिया है, आज हम उस बात को भूल कर दोबारा से क्या डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, दोबारा से क्या गुलामी की तरफ जा रहे हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक घटना हो रही है और इसको बड़े बेशर्मी से किया जा रहा है और फिर भी ये लोग जो है अपने आप को नापाक कह रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी आज जो है एक सोच जो हमें करनी चाहिए उसका बीजेपी का सवाल। मैं अपने साथियों के बारे में वैसे कहना नहीं चाहता था, परंतु अब मुझे कहने के लिए मजबूरन कहना पड़ रहा है। अगर उनको कोई भी पार्टी से या हमारे क्या कहते हैं सरकार से या मुख्यमंत्री से कोई भी शिकायत थी, तो उसके लिए हमारे पास CLP का फॉर्म होता है। हर मीटिंग से पहले CLP की बैठक होती है, उसमें सभी को पूरी आज़ादी होती है अपनी बात कहने का, और एक ये फॉरम था जिसमें वो रिहर्सल कर सकते थे। सेकेंड फॉरम था पार्टी के माध्यम से कर सकते थे। इन दोनों को इन्होंने जो है उपयोग नहीं किया, और बल्कि जिस दिन हमारा ये जो विधानसभा का सेशन था उस समय भी CLP बुलाई गई थी, CLP में सारे लोग बैठे, और इस किस्म की बात, इस किस्म की शिकायत वहाँ पर किसी भी मान्य जो 6 लोग हमारे से बाहर हो गए हैं इन्होंने नहीं रखी। बल्कि जिस दिन लोग राज्यसभा का वोटिंग होना था शाम को 7 बजे जो है CLP फिर थी, उस CLP में सभी मान्य जो लोग हैं आज निष्कासित हुए ये भी आए, उन्होंने वहाँ पर एक शब्द अपनी नाराज़गी के बारे में नहीं बताया। अगर वो कहते हैं कि भाई हम वोट जो है नहीं डालेंगे, हम नाराज़ हैं, हमारी नाराज़गी को दूर की जाए, तो वो एक संविधान के तहत लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा एक अधिकार जो था उसको उन्होंने खो लिया। तो क्या अब जब ये निष्कासित हुए हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमारे ये ग्रीवेंस थे फलाने थे, तो क्या इनको ये अधिकार है? अगर ये हमारे पार्टी के आदर्शों से भी अगर अलग हो गए हैं या नाराज़गी थी तो रिज़ाइन कर देते, रिज़ाइन करके दोबारा से चुनाव लड़के आ जाते, और जिन्होंने आपको नाराज़गी दी या जिन्होंने आपको जो है मौका नहीं दिया उनके खिलाफ़ कर लेते आप, वो तो एक लोकतांत्रिक तरीका था। परंतु आप जो है दूसरे खेमे में जाएंगे तो हमारा जो संविधान में Schedule 10 में बताया हुआ है, जब आप अपने दल के खिलाफ जाओगे, आप बजट सेशन चला हुआ है, बजट में अगर एक भी कट मोशन गिर जाए तो सरकार गिर जाती है, तो आप तो सरकार गिरा रहे थे, आप कहाँ थे सरकार के साथ, तो ये जो डंडा तो बजने था आपके ऊपर, बिना डंडा बजाए आपको कैसे छोड़ देते? कोई भी खेल होता है नियम से चलता है। मान लो आपका क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसमें 23 फुट दूर से आपको बॉलिंग करनी है, मैं नहीं मारूंगा, मैं कहूँगा मैं 15 फुट से कर दूंगा, तो कैसे खेल करेंगे आप बताइए? तो नियम से ही खेल भी चलता है, नियम से ही जो है सरकारें चलती है, संविधान से चलता है, ये मेरा कहना है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।